दोस्तों पीएसएल टी20 लीग में लगभग लगभग आज तक खेले गए सब टी20 मैचेस में आपने फिन किया। रही बात मेरी टीम परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं वो मैं आपके साथ रोजाना टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता हूं कि भाई आज मेरी टीम ने कैसा परफॉर्मेंस किया, इस टीम के साथ मैंने कितना पैसा जीता या मैं कितना पैसा हारा। अगर दोस्तों आप लोग हमारी टीम परफॉर्मेंस और विनिंग स्क्रीनशॉट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे आप ये वीडियो देखने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रही बात दोस्तों पीएसएल मैच नंबर 8 के प्रेडिक्शन की, तो आपको वीडियो में समझाया था भाई जिस तरह हाथी के दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग होते हैं, उसी तरह इस्लामाबाद का टीम दिखाने को तो मुबाशिर खान को 4 पे बल्लेबाजी का बोल रहा है, लेकिन बल्लेबाजी नंबर 4 पे शादाब को कराएगा। इसलिए अपने फैंटेसी टीम कॉम्बिनेशन में आज आप शादाब खान को अपनी फैंटेसी टीम का कप्तान वाइस कप्तान तक कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारी चैनल की यूएसपी या खासियत ये है कि यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन और टीम कॉम्बिनेशन फ्री में शेयर किया जाता है, आपको इसका एक भी पैसा नहीं लिया जाता। उल्टा दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लें और वीडियो आपको समझ आ गया तो आप लोग खुद से अपना एक बेहतर टीम कॉम्बिनेशन बना ना सिर्फ ग्रैंड लीग बल्कि स्मॉल लीग विन कर लेते हैं। फिलहाल दोस्तों आज बात करेंगे आपकी पेशावर और लाहौर टीम के बीच होने वाले पीएसएल मैच नंबर 9 के प्रेडिक्शन के बारे में, और हमेशा की तरह एक बार फिर आज ना सिर्फ मैं आपको बताऊंगा बल्कि समझाऊंगा कैसे क्यों आप पीएसएल के इसी टी20 मैच में अपना एक बेहतर टीम कॉम्बिनेशन बनाते हुए ना सिर्फ ग्रैंड लीग बल्कि स्मॉल लीग विन कर सकते हैं। अब जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं मैं हमेशा आपको समझाता हूं, अगर भाई आप लोग अपने एक बेहतर फैंटेसी टीम कॉम्बिनेशन बना ग्रैंड लीग स्मॉल लीग विन करना चाहते हैं तो आपको दोनों टीमों की कमजोरी ताकत का पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा तभी आप अपना एक अच्छा फैंटेसी टीम कॉम्बिनेशन बना पाएंगे। फिलहाल दोस्तों अगर हम पेशावर जलमी टीम के प्लेयर प्रोफाइल की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम अपने प्लेइंग 11 में कुछ बड़े चेंजेस कर सकती है। जैसे कि दोस्तों जई टीम के साथ जुड़ चुके हैं, ये टीमें वापसी कर सकते हैं कैडमोर के रिप्लेसमेंट पे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है अगर दोस्तों कैडमोर के रिप्लेसमेंट पे टीम में आएंगे तो कैडमोर टीम के कीपर बल्लेबाज है, और दोस्तों इनकी रिप्लेसमेंट पे फिर टीम को अकमल को भी लेके आना पड़ेगा जो टीम के साथ है, यानी दोस्तों आपको कैडमोर और याशिर दोनों को बाहर करना पड़ेगा। अब जब आप याशिर को बाहर करेंगे तो आप सब लोग जानते हैं याशिर दोस्तों एक अमरसिंह खिलाड़ी है, और याशिर की रिप्लेसमेंट पे एक युवा खिलाड़ी को टीम में मौका दिया जा सकता है, इसलिए दोस्तों गेंदबाज में यह चेंज हो सकता है, शोएब खान को बाहर करके उमर या फिर किसी दूसरे युवा तेज गेंदबाज को टीम में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि शोएब खान पिछले 2 T20 मैच में परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, प्लस में आपके कैडमोर ने भी परफॉर्मेंस नहीं किया। यासिर खान ने जरूर दोस्तों थोड़ा सा अच्छा करके दिखाया, लेकिन फिर भी दोस्तों टीम के अनुभवी बल्लेबाज से अकमल जिनकी टीम में वापसी होगी तो यासिर को बाहर बैठना पड़ेगा। अब दोस्तों ध्यान ये दीजिएगा अगर इसे टी20 मैच में शोएब खान बाहर जाएगा तो टीम के पास उस्मान कादिर, पैट्रिक ब्राउन 2 गेंदबाज हो गया, वाबरियास 3 है, यानी दोस्तों तीन टीम के पास 3 प्रॉपर गेंदबाज मौजूद है। चौथे गेंदबाज पे आपने देखना पड़ेगा जिस युवा तेज गेंदबाज को खिलाया क्या उसे पूरे 4 ओवर गेंदबाज से मिलेगा। अगर दोस्तों गेंदबाज से मिलेगा तो टीम के लिए 5वें गेंदबाज का रोल कौन प्ले करेगा, हुसैन तलत या बैन कटिंग दोस्तों मिलकर एक बार फिर ये रोल प्ले कर सकते हैं। अब मान लीजिए टीम ने एक ऐसे खिलाड़ी को खिलाया जो दोस्तों पूरे 4 ओवर गेंदबाजी नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब है साथ ही साथ शोएब मलिक को भी आज गेंदबाजी कराई जा सकती है। क्या दोस्तों वाकई में शोएब मलिक को गेंदबाजी कराई जाएगी, इसके बारे में वीडियो में आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल दोस्तों मेरा एम यह है कि आपको यह बताना कि भाई आज इस टी20 मैच में अगर टॉस के बाद आपको कामरान अकमल जदई का नाम दिखाई देगा तो आप इन दोनों बल्लेबाजों को अपने फैंटेसी टीम में तो शामिल कर लोगे, लेकिन दोस्तों अगर आप इनको आज अपनी फैंटेसी टीम में शामिल करते हो तो वाकई में क्या ये खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम यहां बात करेंगे समित पटेल के बारे में, क्या भाई समित पटेल को आज गेंदबाजी दी जा सकती है, क्योंकि समित पटेल क्या एक ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज अगर इसी टी20 मैच में पेशावर का टीम कामरान अकमल जदई को ना खिलाए तो टीम के पास हो जाएंगे टॉप 3 में राइट हैंड बल्लेबाज। अगर आपने ध्यान दिया क्वेटा की टीम थी जहां पे दोस्तों मोहम्मद नवाज एक ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज थे, उसने इन तीनों बल्लेबाजों को जल्दी चलता कर दिया था, इसलिए पेशावर जलमी का जो टीम है वो दोस्तों कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि पेशावर जलमी की टीम ने अगर टॉप 3 में तीनों ही लेफ्ट हैंड माफ कीजिए राइट हैंड बल्लेबाजों को खिलाया तो बड़ी आराम से जो ये टीम है लाहौर का ये समित पटेल का अपनी गेंदबाजी में इस्तेमाल करेगा। अगर दोस्तों इस टीम ने अपने कॉम्बिनेशन में जदई को मौका दिया जो कि लेफ्ट हैंड है तो आपके पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन आएगा, हैदरली राइट हैंड है फिर हुसैन तलत लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, इस तरह दोस्तों ये टीम जो है लाहौर के प्लान को बदलना चाहेगा। फिलहाल दोस्तों इसलिए मुझे लगता है कि आज इसी टी20 मैच में टीम में चेंज होंगे। रही बात आपके समित पटेल की, अगर दोस्तों टीम में चेंज नहीं होगा तो इनको हम टीम में शामिल करेंगे, अगर चेंज होगा टीम में शामिल नहीं करेंगे। साथ ही में दोस्तों लाहौर का टीम अपने
प्लेइंग 11 के अंदर फॉक्सक्रॉफ्ट को खिला सकता है। और दोस्तों आप देखिए फॉक्सक्रॉफ्ट को खिलाएगा तो इसको ओपन करने का मौका मिलेगा और बेन डन को बाहर किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों टीम ने सफिक को पिछले दो T20 मैचेस में खिलाया है जो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। अब दोस्तों टीम के पास फॉक्सक्रॉफ्ट का ऑप्शन है और आप लोग जानते हैं कि टीम बेन डन को बाहर करेगा तो इनके रिप्लेसमेंट पे कीपर बल्लेबाज को लेके आना पड़ेगा और कीपर बल्लेबाज दोस्तों इनके पास अशरफ है। और फिलहाल रही बात आपके फॉक्सक्रॉफ्ट की, फॉक्सक्रॉफ्ट दोस्तों काफी अच्छे और टैलेंटेड बल्लेबाज है, अगर ये खेलता है तो इसे आज आपको अपनी फैंटेसी टीम में शामिल करना चाहिए। क्यों कैसे वो वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों देखिए आज फखर जमान जो है ये दोस्तों सबकी फैंटेसी टीम में होंगे, ना सिर्फ सबकी फैंटेसी टीम में होंगे बल्कि आप लोगों ने फखर जमान को अपना कप्तान तक बना रखा होगा। लेकिन क्या भाई फखर जमान आज वाकई में परफॉर्मेंस कर पाएगा? सबसे पहले तो मैं आज आपको इसी के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा ताकि दोस्तों आप लोगों को पता चल सके कि कैसे आप अपने बेहतर फैंटेसी टीम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। दोस्तों देखिए फखर जमान ने पहले मैच में 76 और दूसरे मैच में 106 किया। अब आप लोगों की पूरी एक्सपेक्टेशन है कि फखर जमान भाई तीसरे मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन दोस्तों इसके परफॉर्मेंस करने के चांस कितने हैं इसका थोड़ा सा हम रियलिटी चेक करेंगे। देखो फखर जमान लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजों के सामने, अपोनेंट टीम है कौन सी दोस्तों? अपोनेंट टीम है पेशावर और पेशावर की टीम में वहाब रियाज नाम का एक ऐसा गेंदबाज मौजूद है। यानी दोस्तों एक ऐसा गेंदबाज होना चाहिए जो लेफ्ट हैंड से गेंदबाजी करे और जिसके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेस हो, क्योंकि मीडियम गेंदबाजों के सामने तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है लेकिन जिसके पास थोड़ा सा पेस होगा वहां इसको दिक्कत होगा। फिर दोस्तों इसके सामने ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजों को लगा सकते हो जो शायद पेशावर की टीम में नहीं है। फिर दोस्तों आप लेग स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपोनेंट टीम में उस्मान कादिर मौजूद है। दोस्तों सारा रियलिटी चेक मैं आपको कराऊंगा लेकिन पहले जो बातें मैं आपको बता रहा हूं इनको समझने की कोशिश कीजिए और इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों देखिए आपका फखर जमान आ गया, मैंने कहा भाई लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज, लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज कौन है भाई? वहाब रियाज। वहाब रियाज ने क्या किया, 28 बॉल में इसको 32 रन करने दिया और कितनी बार आउट कर दिया भाई? अभी तक 3 बार T20 फॉर्मेट में आउट कर चुका है। शोएल खान शायद खेलेगा नहीं, इसके सामने बल्लेबाजी ठीक है। फिर मैंने कहा भाई लेग स्पिन गेंदबाजों के सामने भी आउट होता है, अब लेग स्पिन गेंदबाज कौन है अपोनेंट टीम में? उस्मान कादिर, 4 बॉल में 1 बार आउट कर दिया। हालांकि दोस्तों शाकिब महमूद जो है टीम के राइट आर्म तेज गेंदबाज है, फिलहाल मुझे लगता है कि टीम शायद इनको इस T20 मैच में ना खिला के अगले में खिलाए। अगर दोस्तों इस T20 मैच में खिलाएगा तो इसका इस्तेमाल अगर फखर जमान के सामने इस्तेमाल किया जाए तो 18 बॉल में 33 फखर को करने दिया लेकिन शाकिब महमूद ने 2 बारी आउट किया। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें चांस की तो चांस से बनता है कि शायद फखर जमान आज अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाए। दोस्तों ध्यान दीजिए आप फखर जमान को क्यों अपने फैंटेसी टीम में शामिल करते हैं, क्योंकि आपके पास गारंटी नहीं कि फखर जमान मारेगा। आप सोचते हैं फखर जमान का परफॉर्मेंस करने का जो चांस है वो काफी ज्यादा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूं चांस कम क्यों है, मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा भाई फखर जमान फ्लॉप हो जाएगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आपने फखर जमान को आज अपनी फैंटेसी टीम में शामिल किया और आप चाहते हो भाई फखर जमान अच्छा परफॉर्मेंस करे तो वहाब रियाज, उस्मान कादिर को अपने फैंटेसी टीम में शामिल मत कीजिएगा। अगर टीम में शामिल करो तो कप्तान वाइस कप्तान तो कतई मत बनाइएगा। कहीं ऐसा कर दो आप फखर जमान को अपनी फैंटेसी टीम का कप्तान और वहाब रियाज को वाइस कप्तान बनाओगे तो फिर दोस्तों आपको लेने के देने पड़ जाएंगे और आप बिल्कुल भी ग्रैंड लीग विन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं भाई वहाब रियाज नई गेंद के साथ 2 ओवर गेंदबाजी करेगा। यानी पावर प्ले के पहले 6 ओवर में 2 ओवर होंगे वहाब रियाज के और पहले 6 ओवर में अगर आप लोग चाहते हैं फखर जमान रन स्कोर करे तो वहाब रियाज को विकेट नहीं मिलना चाहिए। अब दोस्तों फखर जमान को अगर कप्तान बनाया तो सिर्फ 6 ओवर में रन बनाने से बात नहीं बनेगा, आप चाहोगे फखर जमान पूरे दोस्तों 18 से 20 ओवर तक बल्लेबाजी करे तो इसका मतलब है पूरे मैच में वहाब रियाज को फखर जमान का विकेट नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं अगर आज आप लोग अपना एक अच्छा फैंटेसी टीम कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो आपकी टीम है पेशावर, ठीक है, पेशावर का टीम दोस्तों इस T20 मैच में जैसा कि मैंने आपको बताया भाई जजई को लेके आएगा और साथ में अकमल को लेके आ सकता है। अकमल दोस्तों आपका जो है ये लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाजों के सामने दिक्कत हो सकता है या फिर लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजों के सामने जो अपोनेंट टीम है उसमें कौन है, उसमें शाहीन अफरीदी है। क्या शाहीन अफरीदी अकमल को परेशान करेगा, इसका रियलिटी चेक वीडियो में आगे चल के मैं आपको कराऊंगा। रही बात दोस्तों आपकी जजई की, तो देखिए मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं भाई जो ये अफगानिस्तान के बल्लेबाज है ना तेज गेंदबाजों के सामने तो बहुत खतरनाक है। पिछले T20 मैच में गुरबाज का भी बताया था कि भाई गुरबाज जो है वो स्पिन के सामने थोड़ा सा परेशान रहेगा और आपने देखा पिछले T20 मैच में स्पिन गेंदबाज ने गुरबाज को चलता किया था। अगर दोस्तों हम जई की बात करें तो जई के सामने अगर टीम चाहे अपने स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल कर सकता है, एक तो आपका ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको लेग स्पिन या ऑफ ब्रेक गेंदबाजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आज इस T20 मैच में लाहौर का टीम पावर प्ले में जई के सामने स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल करेगा तो इसके परफॉर्मेंस करने के चांस हो जाएंगे कम। लेकिन दोस्तों अगर
बैटर मीडियम गेंदबाजों का इस्तेमाल करेगा तो इसके परफॉर्मेंस करने के जो चांस है काफी इंक्रीज हो जाएंगे। और दोस्तों ये हमें टॉस के बाद ही पता चल पाएगा क्या लाहौर का टीम आज पावर प्ले में स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल करेगा। और मेरे पास जो कोई भी अपडेट होगा सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। फिर दोस्तों देखिए आपके कैडमोर थे, आपके आशीर खान थे। अब दोस्तों कैडमोर की मैं एक दिक्कत बता रहा हूं कि देखो ये ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज के सामने पहले मैच में दोनों बल्लेबाज आउट हुए थे, अपोनेंट टीम में नवाज था, इसलिए मुझे लगता है चेंज हो सकता है। बाकी कैडमोर के सामने अगर आप ऐसे गेंदबाज को गेंदबाज से कराएंगे जिसके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेस हो तो कैडमोर को यहां परेशान किया जाएगा। फिर दोस्तों आपके आ जाते हैं हैदर अली, जो कहां बल्लेबाजी करते हैं, जो बल्लेबाजी करेंगे आपके नंबर तीन पे, इनको क्या दिक्कत है भाई, इनको भी लेफ्ट आर्म मीडियम या लेफ्ट आर्म पेस गेंदबाजों के सामने दिक्कत है। अगर दोस्तों बात करें अपोनेंट टीम में बिल्कुल शाहीन अफरीदी मौजूद है, क्या शाहीन अफरीदी से परेशान करेगा, इसका भी रियलिटी चेक करेंगे। पिछले T20 मैच में भाई लेग स्पिन के सामने आउट हुआ था, लेकिन दोस्तों लेग स्पिन के सामने अक्सर ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, यानी जब लेग स्पिन गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे ना तो इसके परफॉर्मेंस करने के जो चांस है वो ज्यादा है। ध्यान दीजिए मैं दोस्तों आपको चांस के बारे में समझा रहा हूं, ना कि आपको कोई गारंटी दे रहा हूं। इसके बाद दोस्तों कौन बल्लेबाजी कर सकता है, हुसैन तलत है। हुसैन तलत ने पहले मैच में 52 किया, दूसरे में 2 किया, पहले मैच में 21 रन देके विकेट नहीं मिला, दूसरे में 13 रन देके विकेट नहीं मिला। लेकिन दोस्तों अगर आप हुसैन तलत की बात करेंगे, इनको भी लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाज परेशान करते हैं, यानी दोस्तों पेशावर की टीम है, इनके बल्लेबाज लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाजों के सामने स्ट्रगल करते हैं। तो मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूं, शाहीन अफरीदी को अगर कप्तान बनाया तो पेशावर टीम के किसी भी बल्लेबाज को अपनी फैंटेसी टीम में वाइस कप्तान मत बनाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपका हुसैन जो है ये ऑफ ब्रेक गेंदबाजों के सामने भी स्ट्रगल करता है। शोएब मलिक दोस्तों धीमी बल्लेबाजी है लेफ्ट आर्म मीडियम लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजों के सामने, और रदरफोर्ड को दोस्तों आप लोग जानते हैं लेग स्पिन गेंदबाजों के सामने थोड़ा सा फंसते हैं। इसे T20 मैच में लाहौर की टीम में कौन है, राशिद खान है। अगर राशिद खान का सही से इस्तेमाल किया तो रदरफोर्ड को फिर से परेशान किया जाएगा। अब दोस्तों देखिए हम थोड़ा सा रियलिटी चेक करेंगे, अपने पास कामरान अकमल है, मैंने कहा भाई लेफ्ट आर्म मीडियम तेज गेंदबाज इनको परेशान कर सकते हैं। अपोनेंट टीम के पास शाहीन अफरीदी है, 38 बॉल में 2 बार आउट कर दिया, रन भी सिर्फ 35 करने दिया। इसके बाद दोस्तों आपके कैडमोर है, मैंने कहा भाई कैडमोर को खिलाओगे अपोनेंट टीम पावर प्ले में स्पिन गेंदबाज को गेंदबाजी करे तो समित पटेल के 46 बॉल में कैडमोर 2 बार आउट हुए। अगर दोस्तों आप इनकी रनों की रफ्तार को देखेंगे वो भी काफी कम है, यानी दोस्तों अपोनेंट टीम ने अगर स्पिन गेंदबाज को आउट किया और माफ कीजिए गेंदबाजी कराई और कैडमोर बल्लेबाजी कराए तो इसको परेशान किया जाएगा। इसके बाद आपके हैदर अली है, शाहीन अफरीदी ने 6 बॉल में 7 रन देके इसको एक बार ही आउट किया। यानी दोस्तों अब आपको क्या समझ आ रहा है, आपको यह समझ आ रहा है अगर भाई कैडमोर और जो आपके दूसरे बल्लेबाज हैं यासिर वो खेले तो फिर समित पटेल के परफॉर्मेंस करने का जो चांस है वो इंक्रीज होगा। अगर आपका कामरान अकमल खेला शाहीन अफरीदी के परफॉर्मेंस करने के चांस इंक्रीज होंगे। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज आप लोग अपना फैंटेसी टीम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अगर दोस्तों आप PSL के मैच नंबर 9 में शाहीन अफरीदी को अपना कप्तान बना रहे हैं तो किसी भी पेशावर टीम के बल्लेबाजों को वाइस कप्तान मत बनाइएगा, क्योंकि आप लोग चाहते हैं भाई शाहीन अफरीदी जो है वो गेंदबाजी करके विकेट चटकाए। अगर विकेट चटकाएगा किन बल्लेबाजों का चटका सकता है, किन बल्लेबाजों को आउट करने के इसके चांस सबसे ज्यादा है, वही चीज से मैं आपको वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद दोस्तों मेरे पास आपके शोएब मलिक है, हुसैन तलत और रदरफोर्ड है। मलिक की बात करें भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं मलिक स्पिन का काफी अच्छा खिलाड़ी है, तो राशिद की 15 बॉल में 25 कर दिया आउट नहीं हुआ। लेकिन शाहीन अफरीदी के सामने दोस्तों मलिक भी खुल के बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा, 27 बॉल में 29 रन किया और एक बारी आउट हो गया। हैरी श्रॉफ की 22 में 31 किया, एक बारी आउट हुआ। आपके समित पटेल की 66 में 88 किया, 2 बारी आउट हुआ। हफीज के 42 में 47 किया, आउट नहीं हुआ। डेविड वीजे के 24 में 45 किया, 2 बारी आउट हुआ। यानी दोस्तों मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि शोएब मलिक के जो परफॉर्मेंस करने के चांस है वो ज्यादा है। कंडीशन कितनी सी होगी कि दोस्तों ज्यादा रिस्क ना ले, जिस तरह इसने आज से पहले लाहौर के गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी की, अगर ये इसी तरह टिक के सिंगल डबल करके बल्लेबाजी करता है तो शोएब मलिक के परफॉर्मेंस करने के चांस एक बार फिर बने रहेंगे। हुसैन तलत की दोस्तों बात करें तो शाहीन अफरीदी ने 9 बॉल में सिर्फ 5 रन करने दिया, एक बार आउट कर दिया। आपका हैरिस राउफ है जिसके पास एक्स्ट्रा पेस है, 9 बॉल में 7 करने दिया, आउट नहीं कर पाया। हुसैन तलत राशिद के सामने जैसा कि आप लोग जानते हैं भाई स्पिन के सामने थोड़ी सी दिक्कत होगी, 7 बॉल में 3 रन किया, एक बारी आउट हो गया। इसके बाद दोस्तों आपके पिछले T20 मैच के हीरो रदरफोर्ड बल्लेबाजी करने आते हैं, तो इनके सामने अगर आप तेज गेंदबाज हैरिस राउफ का इस्तेमाल करेंगे तो देखो हैरिस राउफ ने 1 बॉल किया, आउट कर दिया सीधा। शाहीन अफरीदी ने 3 बॉल में 0 रन देके आउट कर दिया। राशिद खान दोस्तों इनके सामने T20 फॉर्मेट में देखिए 18 बॉल में 9 रन किया, एक बारी आउट हुआ। यानी बात बड़ी सिंपल सी है, अगर आप लोग आज अपने फैंटेसी टीम कॉम्बिनेशन में यह गलती कर रहे हैं कि रदरफोर्ड को कप्तान और गेंदबाजों को वाइस कप्तान बनाया तो फिर दोस्तों आप बिल्कुल भी ग्रैंड लीग स्मॉल लीग विन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं पावर प्ले में हैरिस राउफ 2 और शाहीन
मुद्रास्फीति दो ओवर गेंदबाजी करेंगे, उसके बाद 17 से 20 ओवर में दो ओवर गेंदबाजी करेंगे और रदरफोर्ड के जो ज्यादा से ज्यादा रन आएंगे वो 17 से 20 ओवर के बीच आएंगे। यानी दोस्तों या तो ये रन बना सकता है या ये गेंदबाज विकेट चटकाएंगे, इन दोनों में से किसी एक की विनिंग होगी। दोनों खिलाड़ी एक साथ एक मैच में विन नहीं कर सकते। साथ ही साथ दोस्तों अगर रदरफोर्ड मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हैं तो यहां राशिद खान का गेंदबाजी में भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिनका अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही एक बेहतर टीम कॉम्बिनेशन बना ना सिर्फ ग्रैंड लीग बल्कि स्मॉल लीग विन कर सकते हैं। अब आपको समझ आ रहा है ना आप क्या गलतियां ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में करते हैं और कैसे उन गलतियों को इग्नोर करके अपना एक अच्छा फैंटेसी टीम कॉम्बिनेशन बना ना सिर्फ ग्रैंड लीग बल्कि स्मॉल लीग विन कर सकते हैं। लेकिन साथ में दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर यार आज आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का काम कीजिए ताकि आपके दोस्त भी वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपना एक बेहतर टीम कॉम्बिनेशन बना ना सिर्फ ग्रैंड लीग बल्कि स्मॉल लीग में शानदार परफॉर्मेंस कर पाए। अब दोस्तों अगर हम बात करें लाहौर की टीम में तीन पे कौन खेलेगा, चार पे कौन खेलेगा, तीन पे दोस्तों आपके गुलाम है और चार पे आपके हफीज आएंगे। अगर हम गुलाम की बात करें दोस्तों आप गुलाम को देख सकते हैं पिछले मैच में राइट आर्म मीडियम गेंदबाजों के सामने आउट हुए, लेकिन एक चीज ये है भाई गुलाम बैटिंग तो तीन पे कर रहा है लेकिन गुलाम की एक कमजोरी है कि दोस्तों गेंद को ग्राउंड पे नहीं रखता, ये गेंद को हवा में मारता है। जब हवा में मारेगा तो मैंने आपको पहले भी समझाया था भाई जितना रन बनाने का चांस होगा उतना जल्दी आउट होने का भी चांस बन सकता है। तो इस बात को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखें, फिलहाल इनकी बैटिंग को लेकर ज्यादा प्रेडिक्शन हम नहीं कर पाएंगे। रही बात दोस्तों आपकी हफीज की, जब हफीज बल्लेबाजी करे तो लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज या लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजों को गेंदबाजी करा सकते हैं। पीएसएल के पिछले दोनों टी20 मैच में ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज ने हफीज को आउट किया, हालांकि अपोनेंट टीम में कोई भी ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज नहीं है और दोस्तों आपके लेग स्पिन गेंदबाजों के सामने थोड़ी सी धीमी इन्होंने बल्लेबाजी की। अगर इसका दोस्तों हम थोड़ा सा रियलिटी चेक करें तो आप देख सकते हैं जब वहाब रियाज गेंदबाजी करते हैं तो हफीज थोड़ा संभल के बल्लेबाजी करते हैं, 31 बॉल में 27 का एक बार ही आउट हो गया। इसके बाद शोएब मलिक दोस्तों ये ऑफ ब्रेक गेंदबाज है, इन्होंने 4 बॉल में हफीज को एक बार ही आउट किया। बाकी उस्मान कादिर के सामने ठीक है, शोएल के सामने ठीक है, शाकिब महमूद के सामने अच्छी बल्लेबाजी, तलक के सामने अच्छी, कटिंग के सामने अच्छी। यानी दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको समझाया शोएब मलिक अगर टिक के बल्लेबाजी करता है, स्ट्राइक को रोटेट वगैरह करता है, अच्छा कर सकता है, सेम वैसे अगर हफीज दोस्तों अगर टिक के बल्लेबाजी करता है तो अपोनेंट टीम के गेंदबाजों के सामने परफॉर्मेंस करने का इसका चांस है। कैसे क्यों मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद दोस्तों आपके समित पटेल हैं, डेविड वीजे हैं, इनकी दोस्तों अगर बात करें तो देखिए जब डेविड वीजे बल्लेबाजी करेंगे तो इनको तो लेके प्रेडिक्शन कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन जब समित पटेल बैटिंग करेगा ना इसके सामने अपने स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल कीजिए। देखो समित पटेल लेग स्पिन के सामने, ऑफ ब्रेक के सामने, ऑर्थोडॉक्स स्पिन के सामने, सबके सामने धीमी बल्लेबाजी की है। इसलिए मेरी सलाह यह होगी कि आज इस टी20 मैच में लाहौर की टीम के इस बल्लेबाज को बल्लेबाज से मिले तो पेशावर का टीम अपने स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल करे। वैसे दोस्तों इसको शाकिब महमूद ने 19 बॉल में एक बार ही आउट किया, उस्मान कादिर एक स्पिन गेंदबाज है, उस्मान के 7 बॉल में 4 रन बना पाया, वीजे वहाब रियाज के सामने 19 बॉल में 2 बार आउट हुआ, शाकिब महमूद शायद खेलेगा नहीं, खेलेगा तो ध्यान रखना वो भी विकेट चटका सकता है डेविड वीजे का। इसके बाद दोस्तों उस्मान कादिर थे, नीचे आपके बैन डंक आएंगे, अगर बैन डंक खेला तो फिर दोस्तों वहाब रियाज एक बार फिर से इनको परेशान कर सकते हैं। 38 बॉल में 3 बार आउट किया, उस्मान कादिर ने 15 बॉल में एक बार ही आउट किया। अब दोस्तों आपको समझने का ये जरूरत है कि आज अगर आपने वहाब रियाज को अपने फैंटेसी टीम में शामिल किया तो जो अपोनेंट टीम है लाहौर उनकी टीम के जो लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं उनको अपने फैंटेसी टीम में शामिल मत कीजिए, क्योंकि अगर उन बल्लेबाजों को आज बल्लेबाजी का मौका मिलता है और वहाब रियाज उस टाइम पे गेंदबाजी करेगा तो इन बल्लेबाजों को आउट कर सकता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें भाई पिच रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि आपको ये तो समझ आ गया आज किस बल्लेबाज को टीम में लेना है, किस गेंदबाज को लेना है, क्यों लेना है, कैसे लेना है। रही बात दोस्तों कराची में विकेट का, तो देखो कराची में दोस्तों जैसे ही मैं आपको हमेशा कहता हूं नाम आएगा सोचोगे तेज गेंदबाज आप सोचोगे चेस वाली टीम। लेकिन पिछले 2 दिन से मैं आपको यही समझा रहा हूं कि भाई पिच विच कुछ नहीं है, अगर आप अच्छा खेलते हो तो आप मैच कभी भी विन कर सकते हो, चाहे आप पहले बैटिंग करो या बाद में बैटिंग करो। इसलिए कभी भी अपना फैंटेसी टीम कॉम्बिनेशन ये सोच के मत बनाना कि 100% चेस वाला टीम ही मैच को जीतेगा। आप दोस्तों एक टीम कॉम्बिनेशन चेस वाली टीम के फेवर में, एक टीम कॉम्बिनेशन बैटिंग वाली टीम के फेवर में बना सकते हैं। रही बात दोस्तों यहां पे बल्लेबाजी करने का, फिलहाल जो पीएसएल के 8 टी20 मैच अभी तक यहां खेले गए, अभी तक बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की कंपैरिजन आपको ज्यादा फैंटेसी पॉइंट दिलाए और उम्मीद यही की जा रही है कि एक बार फिर बल्लेबाज आपको गेंदबाजों के कंपैरिजन में ज्यादा फैंटेसी पॉइंट दिलाए। तेज गेंदबाजों का औसत 33 का है, स्पिन गेंदबाजों का 25 का है। तेज गेंदबाजों ने पहली पारी में 25 तो स्पिन ने 4 चटकाए, दूसरी पारी में तेज गेंदबाजों ने 11 लेकिन स्पिन ने 12 चटकाए। और इन 12 विकेट के अंदर दोस्तों जो काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले किया है वो कुछ दिन ने प्ले किया है, यानी चेस के अंदर क्या होगा देखो दोस्तों मेरी बात को समझना।
जब कोई टीम पहले बैटिंग करती है, पहले बैटिंग करके वो बड़ा टारगेट सेट कर दे, बड़ा टारगेट सेट कर दिया, तो फिर दोस्तों पहली पारी में आपके तेज गेंदबाजों को विकेट मिला, स्पिन को विकेट नहीं मिला। अब दोस्तों जब चेस के अंदर कोई टीम बड़े टारगेट को चेस करेगा तो उसको एक अच्छा स्टार्ट मिलना चाहिए, लेकिन जैसे ही दोस्तों उसको एक दो विकेट गिरते हैं तो उसके ऊपर काफी प्रेशर आता है और उसी प्रेशर का फायदा स्पिन गेंदबाज उठाते हैं, इसलिए स्पिन गेंदबाज अक्सर दूसरी पारी में यहां विकेट चटका लेते हैं। रही बात दोस्तों पिछले 5 T20 मैचेस में, आप देख सकते हैं 4 T20 मैच में आपके जो बल्लेबाज उन्होंने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस किया और काफी तेज स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है। तो फिलहाल दोस्तों पिच भी हो गया, खिलाड़ी की भी हमने बात कर ली, अब बात करेंगे हमारे फाइनल टीम कॉम्बिनेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं एक बार फिर आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर भाई आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन से आप खुश है, आप अपना खुद से एक बेहतर टीम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक करने में कंजूसी क्यों, इसीलिए वीडियो को दिल खोल के लाइक कीजिए और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करने का काम कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी दोस्तों फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर अपने एक बेहतर टीम कॉम्बिनेशन बना, खुद से ग्रैंडलिक स्मॉलिंग फिन कर ले। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि आफ्टर टॉस मेरे पास कोई भी अपडेट होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम में दूंगा। और साथ में एक बात, अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो आप बेल आइकन को तो जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही हमारा नया वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा कि भाई का वीडियो आ गया, आपको पता चलेगा मैच की इंफॉर्मेशन आ गई। इसका मतलब है दोस्तों आप वीडियो को देख लेंगे और वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन लेंगे, जब वीडियो से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा तभी तो दोस्तों आप लोग खुद से अपने एक बेहतर टीम कॉम्बिनेशन बना ग्रैंडलिक स्मॉलिंग में शानदार परफॉर्मेंस कर पाएंगे। फिलहाल दोस्तों कॉम्बिनेशन मैंने कुछ ऐसा बनाया कि मैंने एक कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल को अपनी फैंटेसी टीम में रखा। अब मान लीजिए पेशावर का टीम ये T20 मैच में अकमल को नहीं खिलाएगा तो हम आराम से कैडमोर के साथ जा सकते हैं, जिनका क्रेड भी थोड़ा सा कम होगा। लेकिन पहले दोस्तों थोड़ा सा टफ कॉम्पिटिशन की जो है तैयारी कर लेते हैं, अगर उसके बाद आसान कॉम्पिटिशन मिला तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैंने यहां से शोएब अली को टीम में रखा, फखर जमान हैदर अली को रखा, क्योंकि दोस्तों देखो मेरे पास कोई दूसरी चॉइस है नहीं फखर जमान हैदर अली को लेके, इसलिए मुझे आज इन दोनों को अपने फैंटेसी टीम में शामिल करना ही पड़ेगा। यहाँ दोस्तों मैंने हफीज को रखा है, हुसैन तलत है, जैसा कि मैंने आपको बताया भाई बैटिंग बॉलिंग दोनों है तो रिस्क नहीं लिया जा सकता। फिर दोस्तों मैंने ऐसे फोक्स क्रॉफ्ट को अपनी फैंटेसी टीम में शामिल किया, जो काफी अच्छा बल्लेबाज है, अगर खेलने का मौका मिला तो ओपन करेगा और दोस्तों स्पिन तेज सब गेंदबाजों के सामने अच्छी बल्लेबाजी कर लेता है। रही बात दोस्तों गेंदबाजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसा कि आपको पूरे वीडियो में यही समझाया है कि भाई यार शाहीन अफरीदी जो है लाहौर टीम का काफी अच्छा विकल्प होगा या फिर लाहौर टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, तो देखिए दोस्तों अगर मैंने शाहीन अफरीदी को अपनी फैंटेसी टीम में कप्तान बनाया तो पेशावर टीम के किसी भी बल्लेबाज को अपनी फैंटेसी टीम में वाइस कप्तान नहीं बनाया, वाइस कप्तान मैंने हफीज को बनाया। साथ ही साथ राशिद और हैरिस रऊफ को इनका सपोर्ट करने के लिए अपने फैंटेसी टीम में शामिल किया। रही बात दोस्तों आपकी पेशावर की टीम की, तो पेशावर की टीम में दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ आया तो आपको पता चलता है टीम के पास एक ही अच्छा गेंदबाज है जिसका की नाम है वहाब रियाज, इसे दोस्तों मैंने अपने फैंटेसी टीम में शामिल कर लिया, इसके साथ कोई रिस्क नहीं लिया और पार्ट टाइम गेंदबाजी करने के लिए अपने पास हुसैन तलत मौजूद है। तो फिलहाल दोस्तों टॉस से पहले मेरा कुछ टीम कॉम्बिनेशन ऐसा है, लेकिन टॉस के बाद अगर मेरे फाइनल टीम कॉम्बिनेशन में कोई भी चेंज होगा या फिर मैं अपने कप्तान वाइस कप्तान में चेंज करूंगा, इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको लगता है मैंने अपने फैंटेसी टीम कॉम्बिनेशन में किसी गलत खिलाड़ी को चुना तो वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते अपनी मर्जी से आप खिलाड़ी को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आप सबको वीडियो पसंद आया, तो आप सबके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी कल एक नए वीडियो के साथ।